हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्लॉग विद राखी में। सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं रेडी हो चुकी हूँ। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, अब मैं चल रही हूँ किचन में खाना बनाने। मैं इसमें बोल रही थी लेकिन इसमें आवाज़ ही नहीं क्लियर आ रही थी, तो इसलिए मुझे दोबारा वॉइस ओवर करना पड़ा। अभी मेरे पास माइक वाइक नहीं है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि वीडियो में अच्छे से आवाज़ ही नहीं जा पाती। मुझे एडिटिंग भी नहीं आती लेकिन थोड़ी बहुत सीख रही। देखिए, मैं प्लीज़ लाइक लगा दी हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। यही सब मैं बोल रही थी लेकिन कुछ आवाज़ ही नहीं इसमें क्लियर आ रहा था, खुड़ 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 आ रहा था, बाहर चिड़िया उड़िया बोल रही थी। अब मैं चल रही हूँ कपड़े डालने छत पे, और थोड़ी सी मैं वीडियो रिकॉर्ड की थी कपड़े ऊपर डालने की, लेकिन पता नहीं कैसे रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। बार बार मोबाइल को ही देख रही थी कहीं ये भी क्लिप तो नहीं रिकॉर्ड हो रही। अब मैं आ गई हूँ छत पे, मैं कपड़े डाल रही हूँ। मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दी हूँ, इसलिए कितना जल्दी जल्दी हो रहा है ना। अगर ऐसे जल्दी जल्दी सब काम हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। अभी मेरा नया नया ही घर बना हुआ है, इसीलिए मेरे छत पे ऐसा काई काई लग गया है, क्योंकि सिर्फ एक को टूटी ही हुआ है। चलिए मैं आप लोग को अपने छत का दिखाती हूँ। दिखाती हूँ ऐसे रोज बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन आज थोड़ी धूप तो बहुत तेज थी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद बादल हो गए हैं, लेकिन फिर भी लग रहा था गर्मी का एहसास। ये आपको मैं अपने छत के बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। आज सुबह धूप थी तो मैंने गद्दे वद्दे डाले। देखिए हमारे घर के बाहर का व्यू, हमारे घर के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। कोई आया है लगता है, वहाँ पर एक खड़ी है स्कॉर्पियो। और हमारे घर के इस तरफ एक तालाब है, और एक तालाब के जस्ट किनारे ही एक घर बना हुआ है। छत पर आओ तो बहुत अच्छा लगता है चारों तरफ देखकर हरियाली, चारों तरफ बगीचे खेत सब है। सुबह सुबह चिड़िया बहुत झकती है, एकदम चूं चूं चूं, दिन भर आवाज आता रहता है। देखिए सब धान के खेत हैं। इसमें बस दो ही चीज होता है, ठंडी के मौसम में धान होगा, गर्मी के मौसम में गेहूं होगा। और ये देखिए जो बहुत दूर दिख रहा है वो है बगीचा आम का। गर्मी के मौसम में यहाँ पर बहुत आम होते हैं। आ गई हूँ मैं अब छत पे। देखिए अब मेरी मैं आप छत के लोगों से बोल बड़का रही व्यू, थी कि देखिए यहाँ पर हमारे बहुत घर के सारे खेत हैं, हरे पास भरे कितने खेत उत हैं, लेकिन बगीचे हैं। आवाज़ ही नहीं आप अच्छे लोग से मेरे क्लियर पीछे आ देख रही रहे थी। हैं, यहाँ गर्मी बहुत आम उम आता आज है। मेरा पहला व्लॉग है इसलिए थोड़ा वो लग रहा है, ना अच्छे से बोल पा रही हूँ ना कुछ दिखा पा रही हूँ। धीरे धीरे सीख जाऊंगी, कोशिश करने वालों की यहाँ हार पर नहीं पीछे होती, मैं भी तालाब भी कोशिश है। करूंगी। अभी इधर आगे ज्यादा मैं घर सुबह उर नहीं देखी बने हैं, क्योंकि 13 सब्सक्राइबर अभी सब थे, नई फिर मैं प्लॉटिंग ही दोपहर हुई है। को जब अपना नेट ऑन की तो धीरे धीरे देखे सब लोग का 30 बन सब्सक्राइबर, मैं जाएगा। बहुत ज़्यादा खुश हुई। प्लीज आप लोग ऐसे ही अभी अपना मेरे सपोर्ट बच्चे बनाए स्कूल गए हैं, रखें, मैं छत अपने पे आ गई हूँ फ्रेंड्स अपने कपड़े डालने। फैमिली में मेरा लिंक शेयर करें तो मेरे और ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे। थोड़ा थोड़ा अब कॉन्फिडेंस आ रहा है मेरे अंदर कि मैं बोलूँ वीडियो बनाऊँ, ये सब आप लोगों की वजह से ही हो रहा है। ये देखिए मेरे छत पे एक रूम भी है जिसमें बारिश में मैं कपड़े डालती हूँ, और जो पीछे सारा लकड़ी वकड़ी है ये सब अब दीपावली में क्लीनिंग होगा। देखिए अम्बेस्टर रखा हुआ है। अब मैं चल रही हूँ नीचे, मैं कपड़े डाल चुकी हूँ, और ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ पे ऊपर मेरे भैया भाभी रहते हैं। केले का पौधा है। चलिए अब मैं आपको अपने
पार्किंग एरिया दिखाती हूँ अपना बरामदा। हमारे घर में बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। मेरे बच्चे दिन भर इन प्लांट्स में कभी कुछ करते रहेंगे, कभी कुछ करते रहेंगे। बोलेंगे, देखो मम्मी इसके नए पत्ते आ रहे हैं, तो ये हो रहा है। सुबह यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप आती है, इस वक्त धूप चली जाती है क्योंकि मेरा पूर्वमुखी घर है। तो सुबह के टाइम मैं चल रही हूँ अंदर, टाइम 10 बज रहा है। मैं घड़ी देख रही थी कि बच्चों के आना आने का टाइम हो रहा है। चलिए खाना वाना बना लेते हैं। फिर से मैं आ गई तो हूँ मैं किचन फिर में, से आ गई हूँ किचन खाना में। बना लेती हूँ। वैसे आज मैं बहुत हूँ, फिर भी बच्चों के लिए खाना बनाना है। चल रही हूँ कुछ बना। ये देखिए मेरी सेल्फी स्टिक, मैं इसी और से ये अभी अपना देखिए, वीडियो बना रही ये हूँ वो क्योंकि है मेरे जो पास बच्चे अभी कवर बैग बहुत चढ़ाते सही हैं ना, है। मेरे हस्बैंड प्लास्टिक आएंगे तो की लेकर सीट जो आएंगे, होती है बुक्स कॉपी पे इसी में चढ़ाई जाती अपना है उसी के मोबाइल अंदर ऐसे ये ठोस देती हूँ कागज का और निकला, इसे इसी थोड़ा को मैं झुका काट के के वीडियो और इसी बना में अपना रही हूँ। मोबाइल फंसा के और वीडियो बना रही थी किचन का। तो डर लग रहा था कहीं मेरा मोबाइल कढ़ाई में न गिर जाए और मेरा मोबाइल भी फ्राई हो जाएगा। फिर भी मैं ऐसे ही डिब्बे उब्बे पे अपना मोबाइल रख दी हूँ। अभी मेरे पास ट्राईपॉड नहीं है, मैं अपने हस्बैंड से बोली हूँ ट्राईपॉड ले आएंगे, फिर मैं अच्छे से वीडियो बनाऊंगी। पीछे बाथरूम का दरवाज़ा खुला था तो मोबाइल में देखी, तो मैं जाकर दरवाज़ा बंद करी। अब मैं सब्जी काट रही हूँ, आज मैं बनाऊंगी नेनुआ की सब्जी और रोटी, क्योंकि बच्चे ही हैं अकेले, दो छोटे बच्चे, दाल चावल सब्जी रोटी कितना बनाएं, तो इसीलिए केवल सब्जी रोटी बनाऊंगी। मैं बार बार मोबाइल को देख रही थी कि कहीं फिर से तो नहीं है कि रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा, क्योंकि और सुबह बहुत सारा वीडियो मैं बनाई लेकिन मैं भूल गई, उसको टच ही नहीं करी, वो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, प्लीज़ मेरा ब्लॉग फुल वॉच किया कीजिए, तो इससे मेरा वो क्या बोलते हैं वॉच टाइम भी बढ़ेगा। और लाइक हर बार किया कीजिए, कुछ आपको पूछने का मन हो, कुछ अपना सजेशन देने का मन हो तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और दशहरा का त्यौहार बीत गया, आज बच्चों का स्कूल खुला है, 3-4 दिन बाद बच्चे स्कूल में हैं, अभी थोड़ी देर बाद आएंगे। अभी मैं नेनुआ काट ली हूँ और मैं प्याज काट रही हूँ। चलिए वैसे फ्री रहो तो अपना अपने आराम से काम करो, और मोबाइल के साथ काम करने में बड़ा मुश्किल लगता है, जिधर चलो मोबाइल ले लेके चलो, ले लेके चलो। ब्लॉगिंग बहुत मेहनत का काम है, मैं भी थोड़े बहुत ब्लॉग पहले देखती थी सब लोग का, तो अच्छा लगता था। हाउस वाइफ्स लोग अपने घर का रूटीन दिखाती थी, बच्चे वगैरह, तो मेरा भी बहुत मन करता था मैं भी वीडियोस बनाऊं। और ऐसे भी बच्चे अरे स्कूल चले जाते हैं तो सारा दिन फ्री मैंने टाइम ही रहता है। कट कर ली अब हूँ, देखिए मैं सब्जी छौंकने जा रही हूँ, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि देखिए मैं यही बना रही हूँ। अगर आप लोग मेरे ब्लॉग को पसंद करेंगे तो मैं अच्छी अच्छी रेसिपी भी बनाऊंगी, अच्छे अच्छे आइटम आप सब लोग को दिखाऊंगी। यहाँ मैं मसाले के डब्बे ले रही थी, अभी तो दिवाली भी आने वाली है, डेली क्लीनिंग भी होगा। अभी सोच रहे हैं दीपावली के केवल 1 हफ्ते पहले से स्टार्ट करें, एक एक दिन में एक एक रूम करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर मैं सब्जी छौंक दी हूँ, मेरा खाना बन गया है। चलिए मैं अब आप लोग को अपने घर की सुबह का व्यू दिखा रही हूँ, अपने पार्किंग एरिया का।
ये क्लिप मैं सुबह ले ली थी। देखिए सुबह कितनी धूप आती है। और ये है मेरे मनी प्लांट का पौधा, इसको मैं रस्सी बांध के ऊपर रोशनदान में लगा दी हूँ, क्योंकि ये बढ़ने वाला पौधा है, अगर बड़ा हो जाएगा तो कितना ऊपर तक जाएगा, इसीलिए रोशनदान में बांध के फिर से उसको दूसरे रोशनदान में घुमा दी। और ये मेरे हस्बैंड की बाइक है। और ये देखिए इस पौधे का क्या नाम है, अगर आप लोग को पता है तो प्लीज बताइएगा, मैं तो इसको छोटा वाला नारियल का पेड़ बोलती हूँ। देखिए मेरे कमरे में भी इतनी ज़्यादा धूप आती है सुबह। और ये क्रिसमस ट्री का पौधा है। और ये मेरी तुलसी माता है। ये जब मैं अभी छत पर से कपड़ा डाल के आई हूँ, ये तब का है, तब धूप चली जाती है, तब पार्किंग एरिया में धूप नहीं रहती, बादल घेर लिए हैं छत पे, मैं कपड़े भी डाल दी हूँ, अभी चल गई हूँ देखती हूँ। तो मेरे पेड़ पौधे कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और थोड़े बहुत प्लांट्स मेरे घर भी हैं, यहाँ भी मैंने मनी प्लांट लगाया हुआ। ये सारे पौधे इतने सारे हैं लेकिन इन पौधों का मुझे नाम नहीं पता है कि इनका क्या नाम है क्या नाम है, बस ऐसे ही इन लोगों का सेवा करती हूँ। मेरे बच्चे दिन भर उसका एक एक तो पीला पत्ती नोचेंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे। ये केले का पौधा है और ये तुलसी माता जी हैं। ये दोनों लोग को मैं एक साथ में रखती हूँ और प्लांट्स में रखती हूँ।